जहां क्या महारोजगार मिला हुआ है कांग्रेस सरकार का, वहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं, विद्या प्रतिष्ठान के प्रांगण में है, जिस विद्या प्रतिष्ठान के शरद पवार जी अध्यक्ष है, वहां की सांसद सुप्रिया सुले है, शरद पवार साहब है, वो भी राज्यसभा के सदस्य है। एक प्रोटोकॉल होता है सरकार का, अगर कोई आप सरकारी कार्यक्रम किसी इलाके में आप लेते हो तो वहाँ के जो सांसद होते हैं विद्यमान या विधायक होते हैं उनको भी निमंत्रण दिया जाता है, उनको भी निमंत्रण दिया जाता है, क्योंकि वो सरकारी कार्यक्रम है, वो कोई सीएम और डिप्यूटी सीएम के घर की शादी नहीं है। अगर आप बारामती में जाते हो, विद्या प्रतिष्ठान के प्रांगण में एक कार्यक्रम लेते हो सरकारी, और आपने वहाँ के सांसद को नहीं बुलाया, शरद पवार साहब को नहीं बुलाया, सुप्रिया जी को नहीं बुलाया, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। आप किस तरह की राजनीति करते हो? लेकिन शरद पवार जी सबसे ऊपर है, शरद पवार जी ने अपने घर आए मेहमान को खाने पे बुलाया, आप आइए, आप मेरे प्रांगण में हो और हमारा घर भी वहाँ है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आप हमारे घर में चाय पिए, खाना खाइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। लेकिन ये दोनों ने निमंत्रण नहीं स्वीकार किया, ये मेरी जानकारी, मेरे सुबे पवार साहब से बात हो गई। तो आप उसको इस तरह से देखिए कि सरकार किस प्रकार से खेल करती है। अब यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे, सरकारी कार्यक्रम है, और हमारे विधायक भाई को नहीं बुलाएंगे, तो ये कौन सा प्रोटोकॉल है? ये बात प्रोटोकॉल तो ही महाराष्ट्राची संस्कृती कधीच नव्हती। अशा प्रकारचं राजकारण या राज्यात कधीच झालं नव्हतं की ज्या भागामध्ये आपण जात आहोत सरकार, त्या राज्याचा आमदार किंवा खासदार हा आपल्या पक्षाचा नाही, म्हणून त्याला त्या कार्यक्रमाला बोलवायचंच नाही। हा महारोजगार मेळावा जो आहे तो का तुमच्या मातापित्यांचा पिताश्रींचा आहे का? सरकारचा आहे, सरकारी योजना आहे ती, भाजपची किंवा शिंदे गँगची योजना नाही आहे ना, सरकारी योजना आहे। आणि विद्यमान खासदार आमदार त्या सरकारी योजनेचा भाग असतो, आणि तुम्ही त्यांना बोलवत नाही तिकडे जाऊन। हे अशा प्रकारचं घाणेरड डर्टी पॉलिटिक्स हे या महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस किंवा भाजप आल्यापासून सुरू झालं, याआधी असं होत नव्हतं।